खबर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लिक कीजिए बेल आइकॉन और बने रहिए हमारे साथ। अंधेरी विधानसभा के इतिहास में पहली बार 25,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ हल्दी कुमकुम और महिला खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ईएस फाउंडेशन के संस्थापक प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में रखा गया है, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी खुशी जाहिर की। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रदीप शर्मा के हाथों ज्योति प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर शहीद जवानों को भी याद किया गया है। पीएस फाउंडेशन जो परिवार है, कुछ सालों पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उस दौरान काफ़ी महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं इससे जुड़ी। आज आप देख ही रहे हो कि कितना धीरे धीरे ये फाउंडेशन कितने बड़े जन सैलाब के रूप में यहाँ दिख रहा है आपको। हमारे फाउंडेशन का उद्देश्य है कि महिलाओं का सशक्तिकरण, उनका जो शोषण होता था, जो उन पर अत्याचार होते थे, उनसे उनको आत्मनिर्भर किया गया, उनसे हटा के उनको आत्मनिर्भर किया गया। उनको आज ऐसा माहौल है कि हर परिवार में वो महिला ही पूरा उनका घर चला रही है, उन पर पूरा दायित्व उन पर ही है। तो महिलाओं को सशक्तिकरण करना ये हमारा पीएस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य था। हम लोगों ने काफ़ी बचत घर स्टार्ट किए, उसके द्वारा महिलाओं को आर्थिक दृष्टिया सामाजिक न्याय दिलाने की कोशिश की पीएस फाउंडेशन द्वारा। आज का जो कार्यक्रम है बस उसी का एक हिस्सा है। हमारा ये चैरिटेबल ट्रस्ट है पीएस फाउंडेशन, इसका कोई पार्टी से, कोई भी ग्रुप से लेना देना नहीं है। हम लोग जो आम इंसान की जिंदगी में, आम महिलाओं की जिंदगी में जो चीज़ उनके लिए उपयुक्त हैं, उसी का हम लोग उसी में उनको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी तक 3 ग्रेन आउटलेट्स खोले हैं। हम लोग किसानों से लेके डायरेक्ट जो महिला परिवार हैं हमारी, उनके घर में सप्लाई करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर। तो कम से कम 40% रेट्स में उनको फ़ायदा होता है। जो चीज़ 90 रुपये की है वो उनको कम से कम 60 रुपये में, 62 रुपये में मिलती है। इसी तरह हम लोगों ने महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए कंप्यूटर क्लासेस खोले हैं, सिलाई क्लासेस खोले हैं, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस खोले हैं। बस महिलाओं को सशक्तिकरण करना ये हमारा पीएस फाउंडेशन का उद्देश्य है।